भारत के इतिहास में 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सदियों के संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बेटमा नगर में 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। नगर परिषद में अध्यक्ष मनीषा शशि जायसवाल, उप तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार शिव जरोलिया, बेटमा थाने पर थाना प्रभारी संजय सिंह के द्वारा झंडा फहराया गया। ध्वज के सम्मान में राष्ट्रगान गाया गया। देशभक्ति के इसी वातावरण में शानदार तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस अवसर पर थाना प्रभारी ने थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया। देशभक्ति की अनोखी भावना छोटे बच्चों में देखने को मिली, जो हर समय देश की सुरक्षा करने वाले हमारे सुरक्षा जवानों की ड्रेस में अपने दोनों हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लिए नजर आए। वहीं बेटमा नगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल से सोमवार सुबह तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में नगर के गणमान्य नागरिक, युवा एवं प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। यात्रा में नगर के सभी स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को भी रणमल बिल्लौद से पीर पिपलिया तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो बेटमा होते हुए शहीद मोहनलाल सुनैर प्रतिमा स्थल पहुंची, जहां शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीद वीरांगना का सम्मान किया गया। वहीं दूसरी वाहन रैली ग्राम दतोदा घाटा बिल्लौद से बेटमा तक निकली। नगर में हुई हल्की बारिश के बावजूद बेटमा में कई स्थानों पर भव्य रूप से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं का जोश देखने लायक था। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज 15 अगस्त के दिन आजादी महोत्सव मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और सभी मिलकर हम बाइक रैली लेकर आए। हम घाटा बिल्लौद ग्राम पंचायत घाटा बिल्लौद दतोदा से लेकर आए हैं और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना सभी देशवासियों को। आज 15 अगस्त के अवसर पर ग्राम पंचायत रणमन बिल्लौद सरपंच प्रतिनिधि और समस्त टीम के साथ में आज शहीद समरसता मिशन की ओर से माननीय हमारे मोहनलाल जी सुनेर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पूरी टीम के साथ में उपस्थित। आज आज़ादी के 77वें महोत्सव पर्व के उपलक्ष्य में मैं थाना प्रभारी बेटमा संजय सिंह, बेटमा नगर के समस्त वासियों को, क्षेत्र की समस्त जनता को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। यह पर्व सभी के लिए हर्षोल्लास और खुशियां लेके आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।